ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को रखते हुए त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्युत किशोर देव वर्मा की पार्टी त्रिपुरा मोथा आने वाले 12 मार्च को त्रिपुरा के अगरतला के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक विशाल रैली का आयोजन करेगी। बुधवार यानी 2 मार्च को पत्रकारों से बात करते हुए प्रद्युत देव वर्मा ने कहा कि उनकी मांग किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी मांग जो है वो स्वदेशी समुदाय की संवैधानिक रूप से रक्षा और सशक्तिकरण की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ये रैली जो होगी वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम कोई नकारात्मक भावना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम त्रिपुरा के मूल निवासियों की बेहतरी और संवैधानिक अधिकारों के लिए रैली को आयोजन करना चाहते हैं। त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्युत देव वर्मा ने रैली आयोजित करने के लिए त्रिपुरा सरकार से अनुमति मिलने की भी उम्मीदें जताई है। उन्होंने आदिवासी परिषद के तहत ग्राम परिषदों के चुनाव कराने की अपनी मांग को भी दोहराया और सरकार से सक्रिय पहल करने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि प्रस्तावित ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एक अलग आदिवासी राज्य की परिकल्पना है, जिसकी मांग त्रिपुरा मोथा करती आ रही है। इसमें विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम और मिजोरम के साथ साथ बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों में फैले त्रिपुरियों के निवास वाले क्षेत्र शामिल होंगे। अगरतला में अस्तबल ग्राउंड हम जनसभा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, उसको हम सामने रखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो रैली होगा ये शांति का रैली है। हम त्रिपुरा में सब मॉलीज हो, त्रिपुरीज हो, मणिपुरीज हो, हिंदूज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके बीच में हम शांति चाहते हैं। तो इसमें एक मैसेज शांति का भी रहेगा, पीस का भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि अगरतला में सब लोग देखें कि हमारा जो डिमांड है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अपने त्रिपुरासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांगते हैं। 12 तारीख मार्च, मैं जानता हूँ कि इससे पहले पिछले 5 साल में त्रिपुरा में कोई भी आंचलिक पार्टी को अगरतला में कोई प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। अगर सब लोग कहते हैं कि त्रिपुरा सबके लिए एक है, तो आंचलिक पार्टी को भी अगरतला में अपना डेमोक्रेटिक राइट दिखाने का पूरा अधिकार है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो ये रिटन एप्लीकेशन है स्टेट गवर्नमेंट कि आप हमें अस्तबल ग्राउंड दीजिए। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।